तो ये लोग कितना धोखा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रजनी। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, 9:30 से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा शायद। मैंने अभी मतलब देखा नहीं है तो कंफर्म नहीं मालूम है। और पता है मैं ना आज बहुत लेट हो चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। वैसे मैं नाश्ते में बनाने वाली थी कुछ और आपके साथ में रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा अब मैं नाश्ते की अगर रेसिपी शेयर करती हूँ तो फिर मेरा खाना पीना वगैरह बहुत लेट हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का काम बढ़ा लिया था थोड़ा, तो इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज ब्रेड का ही नाश्ता कर लेते हैं। ब्रेड रखे थे तो हमने कहा चलो ब्रेड को ही ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म फिर भी नहीं हुए और मैं बिल्कुल छोटा सा पैकेट लेके आई थी इसीलिए, और तो फिर भी नहीं ख़त्म हुआ। और डेट कल तक की है तो कल तक मुझे इसे ख़त्म भी करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का नाश्ता अपने लिए कर लिया, ले लिया मतलब बना सेक लिया ब्रेड, और चाय बना ली साथ में। और आज मैं जलने से बच गई। आगे अब देखना, आप किसी भी काम में ज़्यादा भड़बड़ नहीं करना चाहिए। बच गई, अभी कबाड़ा हो जाता, उंगलियों पे पड़ी है जरा सी, और बस थोड़ा सा काम पड़ गया सफाई का। चलिए कोई नहीं, ऊपर फैल जाती तो जल ही जाती। और मैं पहले उंगली धो के नाश्ता करूंगी, तब ये यहाँ से सफाई करूंगी, क्योंकि पता है 10:30 बज चुका है और अब मेरा नाश्ता होने जा रहा है। तो चलिए पहले मैं नाश्ता करूंगी तब यहाँ से मैं सफाई करूंगी, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो हो चुका है हमारा नाश्ता, और आज मैं बनाने वाली हूँ तोरई की छिलके की सब्जी, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि तोरई के छिलके की सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए आज बनाते हैं तोरई के छिलके की सब्जी। तोरी तो सभी बनाते हैं, पर तोरी के छिलके की सब्जी बहुत ही कम लोगों ने खाई होगी और बनाई होगी। तो चलिए आज तोरी के छिलके की सब्जी बनाते हैं। तो ये मैंने कल तोरी बनाई थी, तो मैंने इनके जो छिलके थे उनको, जैसे तोरी को पहले मैंने धो के अच्छी तरह से तब छीला था, फिर उनके जो छिलके थे वो मैंने रख लिए थे और ये हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। तोरी आपकी फ्रेश होना चाहिए एकदम से, बिल्कुल भी खराब वराब नहीं होना चाहिए, रखी भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश तोरी होना चाहिए। तो मैंने ना तुरंत ही ली थी बाहर से, चुप्पी वाले भैया आए थे, तुरंत ही ली थी, बहुत अच्छी तोरी थी, एकदम फ्रेश फ्रेश थी। तो मैंने उनको धोया अच्छे से और उनको छीला, तो मन हुआ कि इनके छिलके हम बनाते हैं, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ बहुत बार, टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज और लहसुन को छीला। वैसे भी पता नहीं इस आँख में कल से क्या हो गया है, स्वेलिंग है, और मुझे लग रहा था जैसे वो निकलती है ना, गुहाई बोलते हैं शायद, वो निकल रही है लेकिन वो भी नहीं दिख रही है। और प्याज ने और फोड़ दी। तो चलिए लहसुन प्याज हमारा छिल चुका है, और थोड़ा सा मैं अदरक भी इसी में डाल दे रही हूँ। अब मैं बना लूँगी इसका पेस्ट, लहसुन प्याज अदरक का, और इसी में मैं मसाले भी ऐड कर लूँगी, बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च, और नमक नहीं अभी मैं ऐड करूँगी। और सभी को पीस लेंगे, और पीसने के बाद ये जो तोरी के छिलके थे ना, इन्हीं में हम अपना जो मसाला है वो रख लेंगे, क्योंकि हमें इसमें मिक्स करना है। तो हम बनाने वाले हैं बेसन वाले छिलके, बेसन वाले छिलके बोल सकते हो आप, पीठा वाले छिलके भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें बेसन ऐड करना है, तो पहले मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, और फिर मैं मिक्स कर लूँगी, तब उसके बाद देखूँगी और ज़रूरत है कि नहीं है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी के हल्के हल्के छींटे मारते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी पड़ जाए। तो हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, बस हमें इतना पानी ऐड करना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए सब, मतलब जो बेसन है उसकी कोटिंग हो जाए हमारे छिलकों पे, बेसन और मसाला की। तो
मुझे बेसन थोड़ा कम लगा तो बेसन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा ऐड कर दिया। और उसके बाद अब हम बनाएंगे इनको। तो हमने तेल डाला है कढ़ाई में, और इसमें थोड़ा सा ना तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है और सब्जियों की अपेक्षा। तो उसके बाद हमने जीरा डाला है और हींग डाली है, एक तेज पत्ता ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो हमने छिलके अपने रखे हैं ना मसाला वगैरह मिला के, उनको ऐड कर देंगे डायरेक्ट। और हमें स्लो फ्लेम पे बस इनको भूनना है। और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कलर के लिए, थोड़ा कलर अच्छा हो जाएगा। और मैंने इनको ना धीमी आंच पे इनको बस फ्राई करना है, इनको बेसन के पकने तक, अच्छे से भुनने तक और छिलकों के गलने तक, पकने तक अच्छे से आपको इनको फ्राई करना है। तो छिलके हमारे बन गए हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं, आप लोग बना के देखिएगा। तोरी का सीजन चल रहा है तो फ्रेश फ्रेश तोरी आ रही है, तो तोरी की सब्जी बनाते हैं तो छिलकों को भी यूज करेंगे, फ्रेश फ्रेश छिलके होते हैं। तो मैं ढेर सारी छिलकों की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक एक करके। तो आज जो है छिलकों की सब्जी, अब अभी पराठा सेक लो और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। और बस मैं तो बना चुकी हूँ पहले भी कई बार और खा चुकी हूँ, तो मुझे तो पता है अच्छी बनती है। आप लोग बनाइए और ट्राई करिए, ठीक है? तो चलिए मैं पराठा भी सेक लेती हूँ। पराठा सेकने के बाद तो मैं अपने लिए लगा रही हूँ खाना, और इस टाइम बज चुका है शायद 1 या 1.5, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी काम करती रहती हूँ, मेरे काम मैं का जा रही हूँ कोई। लंच करने, आ जाइए आप सब भी। और 1 बज चुका है और लंच करके फिर थोड़ी सी देर करूंगी आराम, उसके बाद फिर करूंगी कोई और काम, ठीक है? साथ साथ हमारे और भी काम चलते रहते हैं, तो हमारे काम का ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले यही करना है वो करना है। ये है मेरे शाम की चाय। चाय पीने के बाद धुले मैंने बर्तन जो भी थे, और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छत की हवा ले लूँ, ताज़ी ताज़ी हवा। हर समय नकली हवा में रहती हूँ, थोड़ा सा असली हवा भी लेना ज़रूरी है। और ये है रिंग लाइट का, मैंने रिंग लाइट मंगाई थी अमेजोन से, तो उसमें दिखा रहे थे दो, एक मिनी भी दिखा रहे थे, तो मिनी नहीं निकली तो फिर हमने रिप्लेस के लिए डाली। और दोबारा से जो आई ना वो भी वही सिंगल ही आई, तो फिर हमने रिटर्न डाला और ले गए हैं आज रिटर्न भी। लेकिन इसको निकाल के उन्होंने फेंक दिया क्योंकि ये बड़ा पड़ रहा था ना, तो मैंने कहा चलो इसको डाल देती हूँ एक साइड में। तो ये लोग कितना धोखा करते हैं, दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फिर कौन मंगाएगा, है ना? रिप्लेसमेंट डाला मैंने तो भी वही चीज़ आई, सिंगल ही आई फिर भी, तो फिर मैंने रिटर्न ही कर दिया उसको, और मजबूरी थी कि रिटर्न करना, कि आप दिखा कुछ रहे हो, दे कुछ रहे हो। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे। ओफो, अभी तो हल्की हल्की धूप सी भी है। सुबह पानी देके गई थी और फिर से सारे पौधे सूख रहे हैं, सबको पानी देना है। और ये देखो हमारे मोगरा पे फूल भी आने लगे, ये देखिए पुदीना हमारा कितना अच्छा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। अभी इस पे नहीं आ रही हैं कलियाँ, अभी सारे नए पौधे लगाने पड़े ना मुझे। और ये फूल सूख गए हैं तो इनको अब हम हटा देंगे, सूखी पत्तियाँ सूखे फूल हटा देना चाहिए।